मतलब कि यूट्यूब का दौरान शौक पैदा हुआ, मतलब कि यूट्यूब पे देख देख के मैं सीख गया हूँ। तो इधर भी लोग प्रैक्टिस करते थे, उनको देख के मैंने जुनून पड़ा, फिर मैं उनसे पूछता था, वो बताते नहीं थे, फिर मैं घर पे जाके यूट्यूब पे वीडियो देखता था, फिर जाके रहता भी प्रैक्टिस करता था। मॉर्निंग टाइम 6 बजे जाता हूँ, वही 9-10 बजे घर पे आ जाता हूँ। तो उसके बाद में क्या काम करता हूँ? उसके बाद थोड़ा रेस्ट करता हूँ, उसके बाद शाम को रेडी निकाल लेता हूँ। तो आगे आपका मेन मकसद क्या थीम है आपका, क्या कर बनना चाहते हो? मैं डांसर बनना चाहता हूँ और रियलिटी शो वगैरह करना चाहता हूँ। घर की गरीबी अक्सर कई लोगों के सुपनों को तोड़ देती है, पर कुछ लोग अजिहे भी होंदे ने कि मंजिल मिले जा फिर नहीं, अपनी मेहनत जारी रखते हैं। अजिहा ही नौजवान लुधियाना का आशीष, जिसकी कि लॉकडाउन कारण पढ़ाई तो विचाले रह गई, पर उसने अपने डांस के शौक को नहीं मरण दिता, तो उसकी तैयारी अज भी लगातार कर रहा है। आशीष की उम्र महज 15 साल है, पर उसका सुपना है कि वह मुंबई वर्गे शहर च रेंदे लोगों को अपने डांस का मरीद बना सके। नौजवान आशीष खुद फ्रूट की रेहड़ी लगा है, जबकि उसके पिता भी सब्जी की रेहड़ी लाते हैं। लॉकडाउन कारण परिवार के सिर चढ़े कर्जे के कारण आशीष को अपनी पढ़ाई विचाले छड़नी पई, पर उसने सोशल मीडिया की सही वरतों करद्या डांस के कई गुर सीख ले। इस बारे गलबात करद्या नौजवान आशीष का कहना है कि उसकी बेशक लॉकडाउन कारण पढ़ाई विचाले रह गई, पर वह होर अगे पढ़ना चाहता है। उसने दसिया कि डांस का उसनों शौक है, तो वह मुंबई वर्गे शहर च होंदे रियलिटी शोआ च अपनी ताक जमाना चाहता है। क्या नाम है आपका? आशीष जी। क्या काम करते हैं? मैं फ्रूट की रेहड़ी लगाता हूँ। एक आपकी वीडियो आई है हमारे पास, आप स्टंट करते हो, आपका शौक है पढ़ाई का, कैसे शौक ये पैदा हुआ आपको? ये मेरे मतलब कि यूट्यूब के दौरान शौक पैदा हुआ, मतलब कि यूट्यूब पे देख देख के मैं शुरू किया हूँ। तो इधर भी लोग प्रैक्टिस करते थे, उनको देख के मैंने जुनून पड़ा, फिर मैं उनसे पूछता था, वो बताते नहीं थे, फिर मैं घर पे जाके यूट्यूब पे वीडियो देखता था, फिर जाके रहता भी प्रैक्टिस करता था इस दौरान। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 15 साल से। तो ये शौक ये पैदा हुआ कैसे हुआ, और आपके कुछ कर्जे की बात की थी, कैसा कर्जा था आपके पास? वो लॉकडाउन के बाद सर थोड़ा कर्जा लेना पड़ गया, गांव चल गया था ना, इस कारण थोड़ा कर्जा लेना पड़ गया था। तो आपके परिवार में कौन कौन है? मम्मी पापा बहन भाई सब हैं सर। तो ये कर्जा अभी तक उतरा नहीं है? उतर गया है? नहीं उतरा है सर, अभी तक नहीं उतरा है। तो अभी अपना स्टंट करते हो, कितने बजे आके प्रैक्टिस करने जाते हो? मॉर्निंग टाइम 6 बजे जाता हूँ, वही 9-10 बजे घर पे आ जाता हूँ। तो उसके बाद में क्या काम करते हो? उसके बाद थोड़ा रेस्ट करता हूँ, उसके बाद शाम को रेडी निकाल लेता हूँ। पढ़ाई की बात करते हैं, आपकी पढ़ाई छूट गई थी बीच में, लॉकडाउन में पढ़ाई छूट गई थी? लॉकडाउन में पढ़ाई हुई। कौन सी क्लास तक आप पढ़े? 8th तक सर। तो अभी आगे और पढ़ना चाहते हैं? पढ़ना चाहते हैं सर। तो आगे आपका मेन मकसद क्या थीम है आपका, क्या कर बनना चाहते हो? मैं डांसर बनना चाहता हूँ और रियलिटी शो वगैरह करना चाहता हूँ। इसके लिए आपने कोई गुरु बनाया अपना? अभी तक तो बना नहीं है सर। कैसे प्रैक्टिस करते हो आप? मैं अकेले जाता हूँ, मतलब कि बस लोगों को, मतलब कि लोग करते हैं तो मैं उनको देख देख के मैं उनका करता रहता हूँ, बस प्रैक्टिस वही चीज़ की, मतलब कुछ भी देख के जाता हूँ। जैसे आपने ये स्टंट किए हैं, कैसे स्टंट आपने ये सीखे, कहाँ से सीखे? ये मैं जाता था, इधर ही करते थे लोग, तो वहीं पे जाता था, वहीं पे प्रैक्टिस करता था थोड़ी मोड़ी, तो इस कारण थोड़ा मोड़ा आ गया मुझे। टीवी के जरिए कुछ सीखा या यूट्यूब के जरिए? यूट्यूब के जरिए सीखा थोड़ा मोड़ा। कोई आप अपना गुरु बनाना चाहते हो? बना बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आपका थीम क्या है, मुकाम कहाँ तक पहुँचना चाहते हो? मैं यही है, मुंबई जाना चाहता हूँ, रियलिटी शो वगैरह करना चाहता हूँ। अगर आपको कोई बुलाएगा तो मैं चल जाऊँगा। तो आपका शौक ये रहेगा? यही। अगर पढ़ना चाहोगे आगे? पढ़ना भी चाहता हूँ सर। तो अभी ये आप क्या बेचकर अपना गुजारा चला रहे? अभी फ्रूट वगैरह बेचकर गुजारा चला रहे। तो ये आपका किसी ने साथ दिया? अभी तो कोई नहीं साथ दिया। तो अभी ये शौक आपका रेगुलर रहेगा और प्रैक्टिस आपकी ऐसे ही जारी रहेगी? ऐसे ही जारी रहेगी। गौरतलब है कि नौजवान आशीष ने गरीबी च भी अपने सुपनों खत्म नहीं होने दिता, जिसलिए वह दिन रात मेहनत कर रहा है। इसलिए परमात्मा करे उसके सुपने जल्द साकार होण, ते वो अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। लुधियाना तो लखविंदर सिंह, पंजाबी लोक चैनल।